إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال جل شأنه في مقام آخر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قابل احترام حاضرین جمعہ تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین جس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں وہ طہارت و نظافت کا دین ہے پاکی صفائی کا دین ہے یہ دین تمام انسانوں کو اندرونی نجاستوں گندگیوں سے نفس کی خباستوں سے رذیل حرکتوں سے اور انسان کے ظاہری گندگیوں کو ہٹانے اور دور کرنے کے لیے آیا ہے یہ انسان کی نفس کو اس کی سوچ کو اس کے دل کو اس کے اخلاق کو اس کے بدن کو
उसके कपड़ों को, उसकी जगह को, उसके घरों को, तमाम को पाको साफ करने का हुक्म देता है। ये जहां इंसान की अंदरूनी पाकी का ख्याल रखता है, वहीं पर इंसान की जाहिरी पाकी का भी ख्याल रखता है। और जैसा कि बात है, हकीकत है कि जो इंसान अपने अंदर से पाक व साफ हो, उसकी पाकी सफाई उसके जाहिर पे भी नजर आती है। और अल्लाह ताला ने इंसान को इबादतों की खातिर पैदा किया। इबादतें जो उसको सुधारती हैं, पाक करती हैं, उसे साफ करती हैं, तो ऐसी इबादतें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों पर, मुसलमानों पर फर्ज की हैं। जो इब्तदाई आयतें कुरान मजीद की इब्तदाई अहद नबूवत में नाजिल हुई, जो पहली पहली आयतें थी, उसमें यह भी एक आयत थी कि वफियाबका फतहर वर्रुज्ज फहजुर, के नबी आप अपने कपड़ों को पाक साफ रखो और हर किस्म की गंदगियों को तर्क करो, अपने आप को पाक साफ रखो। मौसा साजरीन, इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं, वसियाबा का फताहिर, ए नबी आप अपने कपड़ों को पाक रखें, तो इसमें इंसान अपने आप को शिर्क और कुफ्र फुसूख के कामों से अपने आप को पाक रखे, ये भी दाखिल है। अपने आप को नजासतों से, गंदगियों से पाक रखे, ये भी दाखिल है। और हदस से अपने आप को पाक रखना, पेशाब पाखाने पर, नवाकिज़े वुजू पर वुजू करके अपने आप को पाक रखना, ये भी दाखिल है। तो मज़ा हाजरीन, तहारत मानवीया, रूहानी तहारत, ये भी शरीयत में मतलूब है कि इंसान कुफ्र से, शिर्क से, नाफरमानियों से अपने आप को महफूज रखे, बचाए रखे। और वहीं पर इंसान जाहिरी गंदगियों से, नजासतों से अपने आप को, अपनी जगह को, अपने कपड़ों को पाक और साफ रखे। अल्लाह ताला ने मदीने के लोगों की तारीफ करते हुए, वहां के कबीले की तारीफ करते हुए कहा कि फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकी सफाई को पसंद करते हैं, उन्हें बड़ा पसंद आता है कि अपने आप को पाक और साफ रखें। और याद रखो, अल्लाह ताला पाक और साफ लोगों को, पाकी हासिल करने वालों को बड़ा पसंद करता है। और जिन इबादतों को अल्लाह ताला ने दिन में 5 मरतबा फर्ज किया, इन इबादतों के ताल्लुक से नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई भी नमाज बगैर वुजू के, खुसूसन वो जिसे हदस लायक हो जाए, जिसका वुजू टूट गया हो, बगैर वुजू के कोई नमाज कबूल नहीं होती। तो एक एतबार से देखें, अल्लाह ताला ने वुजू को फर्ज किया कि इंसान अल्लाह के दरबार में हाजिर होने से पहले, अल्लाह से मुनाजात से पहले, अल्लाह के सामने खड़े होकर बातचीत करने से पहले अपने आप को पाक साफ कर ले, वुजू कर ले। अगर हदस अकबर हो, जनाबत व एहतलाम हो, अल्लाह ताला ने गुस्ल को वाजिब किया। हदस असगर हो, पेशाब पाखाना हो या हवा खारिज हो जाए, तो अल्लाह ताला ने हदस असगर पर वुजू को फर्ज किया। तो एक एतबार से देखें कि दिन में कई मरतबा एक मुसलमान अपने आप को पाक और साफ करता है। और वुजू में शरीयत में जो आज़ा बताए गए कि जिनको धोने का हुक्म मिला है,
ज़रा गौर करें, ये वो आज़ा हैं, ये बदन के वो ऑर्गन्स हैं, वो हिस्से हैं जो आम तौर पर एक्सपोज रहते हैं, खुले रहते हैं। अपने हाथों को धोना कोहनियों तक, चेहरे का धोना, पैरों का धोना, सर का मसह कर लेना, ये ऐसा हुक्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए इंसान दिन में कई मरतबा, नमाजी दिन में कई मरतबा अपने बदन के इन ज़ाहिरी हिस्सों को बार बार साफ कर लेता है, धो लेता है। तो इस बात की खुली दलील है कि इस्लाम नज़ाफ़त, तहारत और पाकीज़गी को पसंद करने वाला दीन है और इसी का हुक्म देने वाला दीन है। और जब अल्लाह ताला कोई चीज़ फ़र्ज़ कर दें उसमें बड़ी हिकमतें होती हैं, इंसान के बड़े फ़ायदे होते हैं। और दिन में जिसको कई कई बार करना पड़े, जिसमें इंसान को थोड़ी सी मशक्क़त हो, उसके अल्लाह ने अजर व सवाब भी उतने रखे हैं, अल्लाह ने अजर व सवाब भी उतने ज़्यादा उसके रखे हैं। नमाज को ले लें, दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। इबादतों में सबसे अहम नमाज है। कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जिसकी ज़िंदगी में नमाज है उसके ज़िंदगी में ईमान है, जिसकी ज़िंदगी में नमाज ना हो उसकी ज़िंदगी में ईमान नहीं है। और इस नमाज के लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वज़ू करने का हुक्म दिया। वज़ू तहारत और पाकीज़गी हासिल करने का एक बेहतरीन वसीला और ज़रिया है। वज़ू फ़ी नफ़्सी इबादत नहीं है, वज़ू करना फ़ी नफ़्सी इबादत नहीं है, लेकिन एक अजीम इबादत नमाज के लिए वज़ू शर्त है और उस पर अल्लाह ने अजर व सवाब के वादे किए हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, वज़ू फ़ी नफ़्सी इबादत नहीं है, इसका माना आप ऐसे समझें कि अगर किसी बंदे का दिल चाहे कि अल्लाह की इबादत करे तो सिर्फ वज़ू करके बैठ जाइए इबादत नहीं कहलाती, सिर्फ वज़ू कर लेना इबादत नहीं है। कुछ इबादतों के लिए अल्लाह ने वज़ू को शर्त बनाया है, बग़ैर वज़ू के वो इबादतें कबूल नहीं की जाती। उस वक्त वज़ू बंदा करेगा, उसके अल्लाह ने अजर व सवाब रखे हैं, अल्लाह ने उसकी बहुत सी फजीलतें रखी है, शरीयत में उसके बहुत से फजल व सवाब का तज़किरा हमें मिलता है। मौज़ूद हाज़रीन, मिसाल के तौर पर इमाम मुस्लिम की वो रिवायत जिसको के मुख्तलिफ कुतुब में मुहद्दिसीन किराम ने जिक्र किया है कि जब कोई बंदा वज़ू करने लगे, वज़ू करते हुए अपने मुंह से वो कुल्ली करे तो अपनी कुल्ली के साथ उसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, अपने नाक पे पानी चढ़ाकर नाक साफ करे तो नाक के गुनाह झड़ जाते हैं, अपने चेहरे को धो ले तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, अपने हाथ को धो ले तो हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं। रिवायात में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गोया वो अपने गुनाहों को अपने आंखों से निकलते हुए देखता है, उसके गुनाह उसके नाखूनों से टपकते हुए वो देखता है, और अपने पैर धोए तो अल्लाह ताला उसके पैरों से उसके गुनाहों को धोता है। मौज़ूद हाज़रीन, ज़रा गौर करें, आम तौर पर गुनाह इंसान के या तो उसकी आंख से, या तो उसके होठों जबान से, या उसके हाथों से, या उसके पैरों से, या उसके कानों से गलत बातें सुनकर के आम तौर पर गुनाह होते हैं। और इसके ज़रिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ने ये बात वाज़े कर दी कि ये वज़ू तमाम गुनाहों से धुलने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जहाँ पर ये इस बदन पर लगी मिट्टी को, लगी गंदगी को साफ करता है, वहीं पर ये वज़ू उसके गुनाहों को धोता है, उसकी आँखों के गुनाह, उसके चेहरे के गुनाह, उसके हाथों के गुनाह, उसके पैरों के गुनाह सब अल्लाह ताला इस वज़ू के ज़रिए ख़त्म करते जाते हैं। और मौज़ूद हाज़रीन, यही वो वज़ू है कि जिसके ताल्लुक़ से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई बंदा एक मरतबा वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये दुआ पढ़ ले, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक,
तो उसको अल्लाह ताला एक दफ्तर में लिख देते हैं, फरिश्ते लिख देते हैं, फिर उस पर एक मोहर लगा दी जाती है, फिर उस पर एक मोहर लगा दी जाती है, क़यामत तक के लिए उसको वैसे ही महफूज रखा जाता है। क़यामत का दिन होगा, इसको खोल करके बंदे के अजर सवाब के तौर पर अल्लाह ताला उसके सामने पेश करेंगे। और मज़ेसाज़रीन, वुजू पर जो अजर सवाब अल्लाह ने रखे हैं, वुजू पर जो अजर सवाब अल्लाह ताला ने रखे हैं, उसमें से एक ये भी है कि अगर कोई बंदा, जैसे कि उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं तुम्हें अल्लाह के नबी का वजू सिखाऊंगा, बताऊंगा। उन्होंने पानी मंगाया, पानी मंगा करके पहले अपने हाथ धोए, फिर तीन मरतबा कुल्ली किया और अपने नाक में पानी चढ़ाया, नाक को साफ किया, और तीन मरतबा अपने चेहरे को अच्छे से धोया, तीन मरतबा अपने सीधे हाथ को धोया, तीन मरतबा अपने बाएँ हाथ को अच्छे से धोया, फिर सर का अच्छे से मसह किया, फिर तीन मरतबा अपने दाहिने पैर को धोया, फिर तीन मरतबा अपने बाएं पैर को धोया, फिर उसके बाद कहने लगे मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बिल्कुल इसी तरीके से वजू करते हुए देखा है। और कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कोई एक मरतबा ऐसा वजू कर ले और अल्लाह ताला के लिए अल्लाह की रजा की खातिर दो रकात नमाज पढ़ ले, वसवसों से पाक नमाज हो, नमाज पूरी तवज्जो के साथ पढ़े, पूरी तवज्जो के साथ यकसुई के साथ अगर दो रकात नमाज पढ़ ले तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बे के उसके जितने पिछले गुनाह हैं वो तमाम के तमाम गुनाह धो दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं। तो मौजूद हाजरीन, अगर कोई बंदा वजू करके जैसा कि उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है दो रकात नमाज पढ़ ले, उसके पूरे गुनाहों की मग़फ़िरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान की। और इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस में फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मतें लाई जाएंगी, मैं अपनी उम्मत को पहचान जाऊँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इतने ज़्यादा लोग होंगे, इतनी नबियों की उम्मती होंगे, आप पहचानेंगे कैसे? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके चेहरे, उनके हाथ और पैर वुजू की वजह से चमक रहे होंगे, उसको देख करके मैं पहचान लूंगा। ये चमक अल्लाह ताला कयामत के दिन इस उम्मत मुस्लिमा के उन पाबंद मुसलमानों के आज़ा पर डालेगा जो वजू की पाबंदी किया करते थे, सुन्नत नबवी के मुताबिक वजू किया करते थे। उनके चेहरे रोशन होंगे, उनकी पेशानियां रोशन होंगी, उनके हाथ और पैर अल्लाह ताला रोशन करेगा, जिसके जरिए अल्लाह ताला उनको एक ऐसा इम्तियाज देगा जो किसी और उम्मत को हासिल नहीं होता। और मौजूद हाजरीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वजू की जो और खसूसियात बयान की है उसमें से एक ये भी है कि जब बंदा वजू करके अपने बदन को गंदगी से पाक कर ले तो उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह ये दुआ पढ़ के शहादत दे करके एक अल्लाह के हकीकी माबूद होने की कलिमे शहादत पढ़ के अपने नफ्स को पाक करता है, अपने नफ्स को पाक करता है। जैसे उसने अपने बदन को गंदगी से पाक किया वैसे वो अपने नफ्स को, अपने ज़मीर को, अपने अंदरूनी रूहानी बदन को पाक करके अल्लाह की तौहीद की गवाही देता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा वुजू करे, वुजू करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह अल्लाहुम्म अज्अलनी मिनत तव्वाबीन व अज्अलनी मिनल मुततहिरीन, अगर ये दुआ पढ़ ले, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत के आठों दरवाज़ों को उसके सामने खोल करके रख देगा। जन्नत के आठों दरवाज़े उसके सामने खुल जाएंगे, अब जिस दरवाज़े से चाहे वो जन्नत में चला जाए, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चला जाए। ये उस आदमी के लिए है जो वुजू पे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करे और करके नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस सिखाई हुई दुआ की पाबंदी करे। मौजूद हाज़रीन, ये वुजू अगरचे के फी नफसी इबादत ना हो लेकिन इबादतों के लिए लाजिमी शर्त है, और अगर बंदा इसकी पाबंदी करे तो अल्लाह ताला ने इसकी कई खसूसियतें,
اس کے کئی فضل و ثواب ذکر کیے ہیں جن میں سے کئی کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کی سیر کرائی، جنت میں آپ نے اپنے سے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی، کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، جب یہ آہٹ سنی تو پوچھا کون ہیں، بتایا گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بتایا گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بعد میں بلال سے بلا کر کے پوچھا کہ اے بلال کیا عمل ہے، وہ کیا بات ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے جنت میں سنی ہے، تم سبقت لے گئے ہو؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں جب بھی کسی حدث کا شکار ہو جاتا ہوں تو وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد دو رکعات کی میں پابندی کرتا ہوں، دو رکعات میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ وہ عمل تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سبقت دی، جنت میں اللہ کے نبی نے اپنے سے آگے ان کے قدموں کی آواز سنی۔ تو معزز حاضرین، جنت کے دخول کا ایک بہترین ذریعہ یہ وضو ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ بڑے اچھے انداز سے اسباغ الوضو کر لے، مکمل صحیح سنت کے مطابق وضو کر لے، وجبت له الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور معزز حاضرین، یہی وہ وضو ہے کہ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے وضو کرے، اور وضو کر کے اگر وہ وضو کے ساتھ سوئے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بات فی شعارہ ملک، کہ اس کے جو اندرونی لباس ہوتے ہیں، جن کپڑوں کو پہن کر کے وہ سوتا ہے، اس میں جا کر کے ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کے لئے دعا کرتے ہوئے فرشتہ رات گزارتا ہے۔ تو معزز حاضرین، بڑی فضیلتیں وضو کی ہیں، وضو کو بندہ سیکھنا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وضو ہو، اس میں نہ کوئی زیادتی ہو نہ کوئی کمی ہو، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصْ فَقَدْ تَعَدَّ أَوْ ظَلَمْ، اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جو میں نے طریقہ سکھایا ہے، اگر اس طریقے سے کوئی بندہ آگے بڑھ جائے، زیادتی کر لے، تو اس نے گویا ظلم سے کام لیا ہے، یا اس میں کوئی کمی کر لے، اس میں گویا اس نے ظلم سے کام لیا ہے۔ تو معزز حاضرین، وضو ایک بہترین وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو، اللہ کی جنتوں کو، اور بڑی اجر و ثواب کا اپنے آپ کو مستحق بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل پاکی صفائی کرنے، اور اسلام جیسے پاک صاف مذہب کو اپنا کر کے اس کے مکمل تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ معزز حاضرین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بندہ اگر وضو کر کے سوئے تو فرشتہ اس کے اندرونی کپڑوں میں آ کر کے اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اسی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ، اس روایت سے متعلق تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، لیکن بعض محدثین نے اس کی تحسین کی ہے کہ اگر وہ کروٹ بھی بدلے، وضو کر کے سویا ہو، کروٹ بھی اگر بدلے، تو بندہ اس کے حق میں فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا، اللہم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا، اے اللہ تیرے اس بندے کی مغفرت فرما کیونکہ اس نے پاک حالت میں رات گزاری ہے، اس نے پاک حالت میں رات گزاری ہے۔ تو معزز حاضرین، وضو کی ان فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جان رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وضو کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ وضو کے مسئلے کو لے کر کہ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو دو تین قسم کے لوگ ملیں گے، ایک وہ جو بہت زیادہ جلدی جلدی میں وضو کریں،
इतनी तेज़ी से वज़ू करें कि कई मुखालफतें उनसे हो जाएं। और दूसरा एक और किनारा उन लोगों का जो इतनी देर तक वज़ू करें, इतना ज़्यादा वज़ू करें, वसवसों का ऐसे शिकार हों कि उनके वज़ू करते करते कई मिनट और कई घंटे लग जाएं। और इन दोनों के दरमियान अहले सुन्नत वल जमा का एक मुसलमान का एक मोमिन का तरीक़ा है कि वो वज़ू नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए सिखलाए हुए तरीक़े के मुताबिक करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वज़ू से मुतालिक जो मुख्तलिफ तरीक़े बताए उसमें इसबाग़ुल वज़ू सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। ख़ास तौर पर इसबाग़ुल वज़ू अलल मकारिह, इसके ताल्लुक़ से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा से कहा कि सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे अमल को कि अगर वो करोगे तो तुम्हारी गलतियाँ माफ़ होंगी, तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे, तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे और तुम्हारे दर्जात को अल्लाह ताला ऊंचा करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस कौल को सुनकर के सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी बताइए ज़रूर। अल्लाह के नबी ने कुछ बातें जो बताएं उसमें कहा इसबाग़ुल वुज़ू अलल मकारिह के दिल नापसंद कर रहा है, सख्त ठंडी का मौसम है या सुस्ती चढ़ी हुई है, ऐसे हालत में भी बंदा मुकम्मल वज़ू करे, ये अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा पसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए बंदों के गुनाहों को माफ़ करके उसके जन्नत के दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। तो मौसम हाज़रीन, इसबाग़ुल वुज़ू अल मकारिह, इस ठंडी के मौसम में बंदा मुकम्मल वज़ू करे ये अल्लाह को पसंद है। इल्लाए कि किसी को बीमारी हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो, किसी के साथ कोई रोग लगा हो, ऐसी हालतों में वो अपने आप पर जुल्म न करते हुए हल्का सा वज़ू कर ले, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर जिसको कोई तकलीफ़ ना हो, सिवाय ठंडी के कोई और मसला ना हो, उसके सेहत का कोई ख़दशा ना हो, ऐसी सूरत में इसबाग़ुल वुज़ू अगर वो करे, मुकम्मल अगर वज़ू वो करे, अल्लाह ताला उसके साथ अजर सवाब का बड़ा वादा करते हैं, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत का, दर्जात की बुलंदी का अल्लाह ने वादा किया है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसबाग़ुल वुज़ू ये है, इसबाग़ुल वुज़ू ये है कि आप अपने बदन के तमाम हिस्सों को जो आज़ाए वुज़ू हैं, अपने हाथ हों, अपना चेहरा हो, अपने पैर हों, इनको मुकम्मल अच्छे तरीके से धोएं। आप 3 मरतबा अपने हाथों को धोएं, हाथों में उंगलियों के दरमियान अच्छे से खिलाल करें, रगड़ करके धोएं, फिर उसके बाद आप कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाएं, अच्छे अंदाज से पानी चढ़ाएं, 3 मरतबा करें और अपने आप को पाक साफ करें, फिर अपने चेहरे को 3 मरतबा धोएं, रगड़ करके धोएं, फिर अपने हाथों को 3 मरतबा रगड़ करके धोएं, अच्छे मुकम्मल तौर पर धोएं, फिर उसके बाद अपने सर का मुकम्मल मसह करें, अपने कानों का मसह करें, और उसके बाद अपने पैरों को 3 मरतबा रगड़ करके अपनी उंगलियों के दरमियान खिलाल करते हुए, उंगलियों के दरमियान उंगलियों को दार कर रगड़ते हुए धो लें, ऐसे आप वज़ू करते हैं तो इसबाग़ुल वुज़ू कहलाता है। रगड़ करके धो और 3-3 मरतबा धोएं। हाँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम से यह भी साबित है कि आपने अपने हाथों को 1 मरतबा धोया, 1 मरतबा चेहरा धोया, 1 मरतबा पैर धोए, एक मरतबा धोने से भी वज़ू हो जाता है, और अगर कोई 2-2 मरतबा धोए ऐसे भी वज़ू हो जाता है, और अगर कोई 1 मरतबा हाथ धोए, 2 मरतबा चेहरा धोए, 3 मरतबा हाथ धो ले, 1 मरतबा पैर धो ले, यानी कभी 1, कभी 2, कभी 3 या 1 साथ 1, 2, 3 को मिला करके वज़ू कर ले, ये तमाम तरीक़े नबी करीम अलैहिस्सलाम से साबित हैं। इन तमाम में कोई हरज की बात नहीं है। और मौज़ूद हाज़रीन, वज़ू की इब्तिदा में हाथ धोते हुए अपने हाथों को अपनी कलाई तक धोना चाहिए। अपनी कलाई जहाँ पर वॉच पहनी जाती है वहाँ तक अच्छे से साफ धो लें, और उसके बाद कुल्ली करते हुए अपने बाएं हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड में पानी लें। और बेहतर सुन्नत का तरीक़ा ये है कि आप अपने पानी को लेकर के थोड़ा सा कुल्ली के लिए मुंह में ले ले और बाकी पानी नाक में चढ़ा ले, यानी कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना एक साथ, एक मुट्ठी, एक एक हाथ के साथ हो तो यही ज़्यादा अफजल और यही ज़्यादा बेहतर है।
कि आप पानी लें, थोड़ा सा पानी मुंह में ले लें, बकिया पानी नाक में चढ़ा लें, फिर उसके बाद कुल्ली भी करें, नाक भी साफ कर लें, दोनों को मिला करके करना, ये अफजल तरीका है। और अगर कोई तीन मरतबा कुल्ली करके साथ में उसके बाद तीन मरतबा अलग से नाक में पानी चढ़ाकर नाक को साफ करता है, इंशाल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन पहला तरीका सबसे बेहतर है। और वुजू करते हुए अगर कोई मिसवाक साथ ले ले, मिसवाक कर ले, अपने दांतों को अपने मुंह को साफ कर ले, ये बड़ा पसंदीदा अमल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे मेरी उम्मत पर मशक्क़त का खौफ ना होता, अगर मुझे डर ना होता कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी, तकलीफ में पड़ जाएगी, तो मैं ये कहता कि हर वुजू के साथ मिसवाक करो, हर वुजू के साथ मिसवाक करो। तो मज़द हाजरीन, अगर मिसवाक वुजू के साथ शामिल हो तो बड़ा अच्छा अमल है। अब उसके बाद अपने चेहरे को धोना है, तो याद रखें जहाँ पर आपके बाल हैं, पेशानी के ऊपर, बालों से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक, कान के इस लौ से लेकर के कान के इस लौ तक, मुकम्मल चेहरे को आप धोएंगे। ऐसे नहीं कि पानी लिया, अपने चेहरे पर रगड़ लिया, यहाँ सूखा रह जाए, यहाँ नीचे सूखा रह जाए, ऐसे वजू नहीं होता है, ऐसे वजू नहीं होता है। मोहतरम हाज़रीन, अच्छे से अपने चेहरे को मुकम्मल धोएं, पेशानी के बाल जो होते हैं जड़े, वहां से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक, कान के एक लौ से लेकर कान के दूसरे लौ तक, यानी कान के इस हिस्से तक मुकम्मल अपने चेहरे को आप धोएं। उसके बाद आपको अपने हाथ धोने हैं तो कोहनियों समेत धोएं, कोहनी एल्बो जो होती है उसको मिला करके थोड़ा सा ऊपर ले जाके धोएं, कोहनी सूखी नहीं रहनी चाहिए, एल्बोज सूखे नहीं रहने चाहिए, बड़ी सख्त वईद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताई है। और मसह करने का तरीका ये है कि आप अपने अपने हाथ को भिगो लें, अपने हाथ को भिगो करके अपनी उन उंगलियों को लें, इन तीन उंगलियों से अपने हाथों से मुकम्मल सर के पीछे तक ले जाएं, फिर वापस उसको लौट के लाएं, फिर उसके बाद इन उंगलियों से अपने कानों के अंदर मसह करें, इन अंगूठों से कानों के बाहर मसह कर लें। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का सिखलाया हुआ तरीका है कि आप इस तरीके से अपने सर पर मुकम्मल मसह करें, अपने कान के अंदरूनी हिस्से पर मसह करें और कान के बैरूनी हिस्से पर आप मसह करें। मोहतरम, यहाँ पर एक गलती है, लोग अपनी गर्दन का मसह करते हैं, बाकी पीछे जो गीला हाथ होता है उसको लेकर के अपने गर्दन पर फेर लेते हैं। याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम से गर्दन पर हाथ फेरना मसाह में साबित नहीं है, गर्दन पर हाथ फेरना मसाह में साबित नहीं है। हाँ, आप धूल से आए हो, बाहर से आए हो, धूल वगैरह हो, आपने ऐसे ही कभी पोछ लिया, मसला मुख्तलिफ है, लेकिन वजू का हिस्सा मान करके, वजू का तरीका मान करके आपको नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने पैर धोएं, पैर एंकल्स जो होते हैं, टखने जो होते हैं, उन टखनों को भिगोते हुए टखनों से थोड़ा सा ऊपर तक आप धोएं। और पैरों को धोते हुए आमतौर पे होता है कि नल खोल करके पैर नीचे डाल दिए, निकाल लिए, ऐसे नहीं होता है, होता है कि इसमें बाज़ोकात पैरों का पिछला हिस्सा सूखा रह जाता है, बाज़ोकात उंगलियों के दरमियान पानी नहीं पहुंच पाता, पैर की उंगलियां हाथ की उंगलियों की तरह इतनी खुली नहीं होती हैं, पैरों की उंगलियों में बिल्कुल लगी हुई होती हैं, तो वहां पर आपको झुक करके अपनी उंगलियों में मसाह करना चाहिए, खिलाल करना चाहिए, अपनी उंगलियों के दरमियान उंगली डाल करके, पैरों की उंगलियों के दरमियान उंगली डाल करके आपको वहां की जगह को कच्चा करना चाहिए, ऐसे आपका वजू होगा। और अगर कहीं आप सूखा रख दें तो याद रखे, एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ सहाबा जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, जल्दी जल्दी वजू करके नमाज के लिए पहुंचे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा कि जल्दबाजी में उन्होंने अपनी एड़ियों के कुछ हिस्से को सूखा रखा है, एड़ियां मुकम्मल भीगी नहीं है। अल्लाह के नबी ने जोर से कहा, अल्लाह के नबी ने जोर से कहा, वैलुन लिल आकाबी मिनन नार, वैलुन लिल आकाबी मिनन नार, जो एड़ियां सूखी रह गई हैं उनके लिए वैल है, जहन्नम है, आग है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्त वईद सुनाई। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी ने कहा, वैलुन लिल अराकीबी मिनन नार, वैलुल अराकीबी मिनन नार, यानी एडी के ऊपर पीछे जो एंकल के पीछे रग, मोटी रग होती है, उसे अराकीब कहा जाता है, वह हिस्सा अगर सूखा रह जाए, अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसों के लिए जहन्नम की वईद है। तो मस्जिद हाजरीन, सही अंदाज से वजू करना सीखें, सही अंदाज से वजू करना सीखें, और वजू नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करें। और वजू करने के बाद, वजू करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह कहना है, बिस्मिल्लाह कहते आप वजू करें, बिस्मिल्लाह कहते आप वजू शुरू करें, और वजू कर ले तो वजू करने के बाद की दुआ की आप पाबंदी करें। और आपने जैसे सुना
कि जो दुआ की पाबंदी करे जन्नत के आठों दरवाजे उसके सामने खोल दिए जाते हैं। अब जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चला जाए। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये तरीका अल्लाह के नबी का तरीका है। अब बंदा तीन मरतबा की बजाय पाँच पाँच मरतबा अपने बदन को धोए, अपने हाथ को धोए, पाँच पाँच मरतबा कुल्लियाँ करे, तीन चार मरतबा मसह करने लगे, कई कई मरतबा अपने बदन को धोने लगे, आज़ाए वज़ू को धोने लगे, ये जुल्म है, ये इसराफ है, ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी करीम सलाम एक मुद पानी में वजू कर लिया करते थे। एक मुद पानी होता कितना है? एक मुद पानी यह है कि थोड़ा सा पानी, मिसाल के तौर पर समझे पाव लीटर या हाफ लीटर से थोड़ा सा कम पानी, इसमें अल्लाह के नबी वजू कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी इसमें वजू कर लिया करते थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक मरतबा अबुल वफ़ा इब्न अकील को किसी एक वसवसे वाले शख्स ने देखा कि मुख्तसर पानी से वजू करके हट गए, तो उसने कहा कि आपने इतना वजू कर लिया, मेरा हाल तो यह है कि अगर मैं किसी नहर में डुबकी लगा करके भी निकल जाऊं तो मुझे शक होता है कि कहीं बदन का कुछ हिस्सा सूखा तो नहीं रह गया, कहीं कुछ चीज़ भीगे बगैर तो नहीं रह गई। तो अबुल वफा ने कहा कि तुम पर से नमाज ही साकित हो जाती है, तुम पर से नमाज ही साकित है। आपने डराते हुए, आपने उनको सबक सिखाते हुए कहा कि तीन लोगों पर नमाज नहीं होती, मरफूल कलम होते हैं, उन पर कोई शरीयत का हुक्म नहीं आता। उसमें से एक दीवाना किस्म का है जिसकी अकल काम नहीं करती, जिसकी अकल काम नहीं करती, मुकम्मल वजू करने के बाद किसी नहर में डुबकी लगाने के बाद भी ये सोचना कि कुछ हिस्सा बाकी रह गया हो, ये तो बेवकूफ़ी वाली हरकत है, ये तो बेवकूफ़ी वाली हरकत है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वसवसों का शिकार ना हो, न तीन से आगे बढ़ करके आगे निकलें, वसवसों का शिकार हो जाएं, न बहुत जल्दबाजी में वजू करें, वजू करते हुए वजू के आज़ा को सूखा रख दें, यह किसी सूरत मुनासिब नहीं है। वजू की पाबंदी करें। और अगर कोई मोमिन अपने आप को हमेशा बावजू रखने की कोशिश करता है तो ये उसके ईमान की सिफत है, ये उसके ईमान की सिफत है कि अपने आप को हमेशा वो बावजू रखने की कोशिश करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला युहाफिज़ अलल वुज़ू इल्ला मुमिन, एक मुमिन ही है, एक मोमिन ही है जो अपने आप को हमेशा बावजू रखने की कोशिश करता है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकी सफाई वाला हमारा अपना दीन है, इस दीन की पाकी सफाई को अपनाने की कोशिश करें, अपने आप को सबसे पहले शिर्क से, बिदातों से, नाफरमानियों से, अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले कामों से, अपने नफ्स को, अपने अंदरूनी हिस्से को पाक रखें, फिर अपने बदन को पाक रखें, गुस्ल वज़ू का मुकम्मल अहतमाम करें, अपने आप को बावजू रखने की कोशिश करें और शरीयत मुतहरा के अखलाक को अपनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतहरा के इन आदाब को सीखने की और अपने आप को बामल बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे पाक व साफ़ बना करके अपने नफ्स को शिर्क बिदात से पाक रखने वाला, अपने बदन को गंदगियों से पाक रखने वाला बना करके ज़िंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिलखैर फरमाए और सूए खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।